तो फ्रेंड्स आज का वर्सेस होने वाला है सबसे खतरनाक। डिसलाइक पर सब्सक्राइब करो, बम से उड़ा दो, ऐसा कमेंट मत करना। और हाँ, तरफ है डीमन किंग और एक तरफ है इमोर्टल किंग। कहने को तो दो ही किंग है पर दोनों ही गॉड लाइक पावर रखते है। अरे भाई कोई इंट्रो तो शुरू करो। सबसे पहले हम एनोस का पावर एंड एबिलिटीज डिस्कस करने वाले हैं। तो एनोस का पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग जानते हैं कि एनोस के पास गॉड लाइक स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड अदर चीज आता है, पर आज हम लोग सिर्फ उसका सबसे पावरफुल फीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑपोजिट साइड में वांगलिंग खड़ा हुआ है। एनोस के पास एक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उसके साथ वो हमेशा अपना पावर को होल्ड बैक करता है। हम लोग कभी भी एनोस का 10% से ज्यादा पावर नहीं देख सकते, क्योंकि वो जानता है वो अपना फुल पोटेंशियलिटी अगर दिखाता है तो पूरा क्रिएशन को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उसके साथ वो सोल को, लाइफ को और डेथ को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग कि एनोस ने अपना हार्ट बीट के मदद से एक प्लेनेटरी लेवल का जीव को हरा दिया। एनोस के पास टेलीपोर्टेशन और टेलीकाइनेसिस जैसा पावर है और वो किसी भी डिमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता है। वो अपनी दुनिया का गॉड ऑफ टाइम को बस एक ही बार में मार दिया था, जैसे कुछ वो था ही नहीं। उसके पास उसका स्वॉर्ड वैनेस दोना है। अगर कोई वैनेस दोना के सामने आ जाता है ना तो उसका ओरिजिन तक को भी ये खत्म कर देता है। इसके सामने लॉजिक, इमोर्टलिटी, इनविंसिबिलिटी कुछ भी काम नहीं आता। वो दुनिया का कोई भी चीज को कट कर सकता है। और हम लोग अब सुनने वाले हैं वांगलिंग का पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। वांगलिंग का मोस्टली पावर है स्पिरिचुअल पावर को मैनिपुलेट करना। इसका मतलब वो किसी का माइंड, मेमोरी, मैजिकल पावर को वो मैनिपुलेट कर सकता है। अगर देखा जाए तो उसका अटैक पोटेंशियलिटी सबसे खतरनाक है। उसके पास फेयर मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड इमोर्टलिटी है। उसके पास एक जिंक के नाम का स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। उसका स्वॉर्ड के अंदर उसका 1% पावर भरा हुआ है और इसी वजह से वो दुनिया का हर एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का मास्टर है। वांगलिंग के सिर्फ 1% पावर की वजह से वो दुनिया का हर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का मास्टर है। क्या कहे, कितना पावरफुल है वांगलिंग। तू आप इससे उसका पावर का अंदाजा लगा सकते हो। बॉमनी 100% पावर के साथ आ गया तो सामने कोई बचेगा ही नहीं फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी से निकलने वाला स्पिरिचुअल पावर ही तब तक क्रिएशन का हर चीज को तबाह कर दिया होगा। अब हम लोग दोनों का बैटल की बात करें तो ये फाइट बहुत सालों तक चलेगा, पर इस मैच में वांगलिंग का जीतने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वांगलिंग का स्पिरिचुअल पावर खतरनाक लेवल का है भाई। इन द एंड मुझे लगता है कि एनोस हार जाएगा। और मैं बता देता हूँ, ऑफेंड मत होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी कमेंट में बोल देना।